हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स। बच्चों, आपने चैप्टर वन पढ़ा, चैप्टर टू पढ़ा। चैप्टर वन में वर्णमाला और चैप्टर टू में आपने संज्ञा पढ़ा, यानी नेमिंग वर्ड्स। आज जो है हम लोग चैप्टर थ्री पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर थ्री जो आपका बुक है उसमें आपको दिया हुआ है टॉपिक सर्वनाम परिचय। तो देखो बेटा, सर्वनाम यानी प्रोनाउन तो किसे कहते हैं? सबसे पहले उसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो क्या कह रहा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, यानी वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब देखो बेटा एग्जांपल, जैसे रामह जाता है, तो रामह जाता है तो राम के लिए हम लोग क्या करेंगे? वह जाता है। तो जो राम के बदले में वह जो शब्द में यूज हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब कहता है क्या, सर्वनाम शब्दों को भी तीन भागों में बांटा गया, यानी सर्वनाम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। अब देखो, पुरुष में क्या सब है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कहता है जो ना वक्ता हो ना श्रोता। वैसे ये सब चीज़ आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक का ही मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया है, आप बुक में भी देख सकते हो। देखो, आप अपने बुक को भी देख सकते हो। अब देखो बेटा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, सुनने वाले, जैसे तुम और तुम लोग, तुम दोनों, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला। अब देखो, हम लोग अपने बुक को भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। पुरुष जो न वक्ता हो और न श्रोता हो, मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता अर्थात सुनने वाला, उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाला। अब है प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द। प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द में क्या क्या आ सकता है? देखो, तत्, तत् पुल्लिंग होगा, तत् स्त्रीलिंग होगा और तत् नपुंसक लिंग। इसमें देखो बेटा, जो जो शब्द है ये आपको अच्छे से रट जाना है। तत्, एतत्, इदम्, ठीक है। अब देखो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में भी उतना ही चीज़ है, नपुंसक लिंग में भी सबके सब आएंगे। तत्, एतत्, इदम्, किम्। उसके बाद मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द। मध्यम पुरुष यानी त्वम, युवाम, युयम, ये सब। तो सुनने वाले अर्थात श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो देखो, त्वम, तुम यानी एक, युवाम मतलब तुम दो और युयम मतलब तुम लोग। इसी तरीके से उत्तम पुरुष यानी मैं, तो मैं को जो है संस्कृत में क्या होते हैं? अहम। दो के लिए क्या हो जाएगा? आवाम। और हम लोग के लिए वयम। अब कहता है क्या, उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग। पहला वाला पिक्चर आपको दिख रहा होगा, सह कह, क्या कह, यह क्या है? तो क्या है? ऐसा मयूर। तो ये सब पढ़ने के बाद आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद करने की चीज़, वो आपके बुक के पीछे दिया हुआ है। तो मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ आप लोग को, देख लीजिए। सबसे पहले आप बालक शब्द को रट जाइए या फिर देव शब्द, दोनों अकारांत पुल्लिंग है। उसके बाद रमा, देखिए रमा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, या फिर लता, इसको भी आपको साथ में रट जाना है।
उसके बाद देखिए आपको सर्वनाम शब्द तत्व पुलिंग दिख रहा है आपको। तत्व पुलिंग यानी लड़का के लिए। उसके बाद युष्मद तुम देख लीजिए, युष्मद शब्द इसे भी रट जाना है। तत्व स्त्रीलिंग शब्द इसको भी अच्छे से आपको रट जाना है। उसके बाद तत् नपुंसक लिंग देख रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा इदम यानी यह स्त्रीलिंग के लिए, इदम यह नपुंसक लिंग के लिए, ऊपर इदम यह पुलिंग के लिए दिया हुआ है। इतना सारा चीज जब तक आप रटोगे नहीं तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी। आज जब ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा तो फिर किम किम क्या पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये सब के सब जो है आपको याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। एतद यह स्त्रीलिंग शब्द ये भी आपको याद कर लेना है, एतद यह नपुंसक लिंग याद कर लेना है, एतद यह पुलिंग ये सब के सब क्या है सर्वनाम शब्द है। आपको अच्छे से लर्न करना है। देख लीजिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ सारा चीज, आप लोग अपनी कॉपी में सबको लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3। दैट्स ऑल, थैंक यू।